अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ मी साकिब इकबाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इकबाल बायोलॉजी। हमने बेटा बायो एनर्जेटिक का चैप्टर स्टार्ट किया है और इस चैप्टर में से आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए इस टॉपिक को समझने से पहले आपके जहन में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। तो चलो पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। याद रखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इस रिडक्शन से रेड ले लें और ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लें तो इससे बनता है रेड ऑक्स। रिडक्शन से रेड, ऑक्सीडेशन से ऑक्स, तो ये बनता है रेड ऑक्स और रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम तीन तरीकों से बेटा डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल जब कोई मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लेता है, फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन लिया तो अब मैंने ऑक्सीडेशन कर ली। और फॉर एग्जाम्पल सो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, या फॉर एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन दे दिया किसी को, या फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो मैंने जिस तरह ऑक्सीजन गेन किया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को हाइड्रोजन दिया, मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये जो ऑक्सीजन का गेन करना या हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, सो गेन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की लॉस या इलेक्ट्रॉन की लॉस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन में हम एक चीज को गेन करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हम नहीं, फॉर एग्जांपल मैं आपको मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। या तो फॉर एग्जांपल गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल द रिमूवल आर द लॉस ऑफ हाइड्रोजन आर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो बेटा इनको हम तीन तरीकों से डिफाइन करते हैं। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह बेटा रिडक्शन को भी हम डिफाइन करते हैं तीन तरीकों से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक चीज गेन होती है ऑक्सीजन और दो चीजें लॉस होती है, बिल्कुल ये अपोजिट है इसका, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसमें लॉस होती है ऑक्सीजन का, सॉरी गेन होती है यहाँ पे लॉस होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की गेन होती है। तो शाबाश, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन। अब अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, ये दोनों टॉपिक है मेन इस चैप्टर के, दो मेन टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बोथ फोटोसिंथेसिस है और रेस्पायरेशन है, इन दोनों में कहीं ना कहीं पे आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जरूर मिलेगा। ये एक इंतहाई कम्प्लेक्स रिएक्शंस है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में। तो इन फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों में आपको ऑक्सीडेशन भी मिलता है और रिडक्शन भी मिलता है। तो अगर इन फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों में ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, तो इसका मतलब है ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन आर बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ये दोनों एग्जाम्पल है इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ठीक है ना, इस टॉपिक में जो मेन, इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स है। तो ये जो दो प्रोसेसेस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, ये दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोटोसिंथेसिस को इस लेवल के मुताबिक डिफाइन करें, तो ये तो डेफिनेटली हमें पता है बच्चों वाली डेफिनेशन है कि फॉर एग्जाम्पल वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपने लिए ग्लूकोज बनाता है, क्या खुराक बनाता है, फूड मॉलिक्यूल बनाता है, किस चीज से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से। जब
प्लांट अपने लिए फूड मॉलिक्यूल बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फॉर एग्जांपल ये इन फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें तो ये एक इंतहाई कम्प्लेक्स रिएक्शन है। और याद रखिए साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस के एक्सप्लेन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हुए 300 साल गुजारे हैं, ठीक है ना। तो ये जो आप बुक में बेटा फोटोसिंथेसिस को 3-4 पेजेस में देख रहे हैं, इनके पीछे 300 साल की मेहनत पड़ी हुई है साइंटिस्ट की, ठीक है ना। तो शाबाश है। इनमें दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, वो बहुत कम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो फिर हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इन फोटोसिंथेसिस ए चेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अगर, तो यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस में देखिए एक चीज इलेक्ट्रॉन ले रही है, दूसरी गेन कर रही है, दूसरी लॉस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक ले रही है, दूसरी लॉस कर रही है, तो फॉर एग्जाम्पल वो एक चेन सा बना होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है ना। बिल्कुल फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है बिल्कुल। तो ये एक चेन होता है और इस चेन में कहीं पे ऑक्सीडेशन होगी तो कहीं पे बेटा रिडक्शन होगी, और उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिलता है, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिलता है, वाटर मिलता है, और इससे ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन भी बनता है। और याद रखिए इसमें एनर्जी स्टोर होती है, फोटोसिंथेसिस में बेटा एनर्जी स्टोर होती है, तो ये एक एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। तो आपके बुक के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर कंबाइन होता है और इससे फूड मॉलिक्यूल बनता है, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा बेटा अगर हम थोड़ा सा हाई लेवल पे डिफाइन करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में ये इसमें कोई एनर्जी नहीं होती, ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल होते हैं। और अगर हम बेटा इस ग्लूकोज को देखें तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्लूकोज की यूकैरियोटिक सेल में ब्रेकडाउन होती है तो इससे हमें मिलती है 36 एटीपी, और इसके अलावा अगर इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन प्रोकैरियोटिक सेल में होती है तो इससे बेटा आपको नहीं प्रोकैरियोटिक सेल को मिलती है 38 एटीपी। तो इसका मतलब है अगर इस ग्लूकोज में या 36 या 38 एटीपी है तो ये एनर्जी पुअर नहीं बल्कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। तो जब एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं और इससे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, बिल्कुल रेस्पिरेशन इसका अपोजिट है। इसमें क्या होती है बेटा, इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, ठीक है ना, और इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें जिस तरह फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है, बिल्कुल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। तो अगर हम बेटा यहाँ पे रेस्पिरेशन को देखें तो ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। यहाँ पे हमने पढ़े इसमें फूड मॉलिक्यूल की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है, किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो अब ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को, दोनों टॉपिक की अगर हम समरी एक्सप्लेन करें तो समरी ये है कि फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और यहाँ पे इसमें ये रेस्पिरेशन है। ये क्या है, असल में रेस्पिरेशन है। जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, तो ये असल में रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है और उसमें बेटा क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है और इससे दोबारा ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। इसमें एनर्जी जिस तरह रिलीज होती है, इसमें एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है ना। ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। तो अब चाहे रेस्पिरेशन हो चाहे फोटोसिंथेसिस हो, दोनों एग्जांपल है किस चीज के, दोनों किस चीज के एग्जांपल है बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के। अब टॉपिक की तरफ आते हैं तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंस है। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर एग्जांपल अगर फोटोसिंथेसिस ना होती तो फॉर एग्जांपल प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करती तो प्लांट अपने लिए खुराक नहीं तैयार कर सकता, प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो फिर सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। हमें ऑक्सीजन ना मिलता क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस ही की वजह से ऑक्सीजन ना मिलती, तो फिर हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं थी, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल ये इसके इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटोसिंथेसिस
केमेनली दो प्रोसेस है, दो इम्पोर्टेंस है, एक तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, दूसरा फोटोसिंथेसिस में क्या है, ऑक्सीजन बनता है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, तो डेफिनेटली जब इसकी एनर्जी रिलीज होगी तो हम उस एक्टिव उस एनर्जी को मुख्तलिफ एक्टिविटी में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। रिस्पायरेशन तमाम तर ऑर्गेनिज्म में होती है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है और तमाम तर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होती है।